चलो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं बिना किसी एंटीवायरस के अपने पीसी में से वायरस कैसे खत्म करें। तो लेट्स स्टार्ट, और ये वीडियो अंत तक देखते रहें। सबसे पहले अल्ट आर दबाकर उसमें शिफ्ट और ये परसेंट का चिन्ह बना टेम्प लिख दीजिए 1%, फिर ओके कर दीजिए। ओके बाद ये जो अपनी जंप स्पेल रहती है इस सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए। ये दो तीन रहेगी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर से विंडो आर दबाकर सिर्फ टेम्प लिखिए, ओके कर दीजिए। सॉरी अभी मेरे इसमें फाइल नहीं है। और उसके बाद फिर से विंडो आर दबाकर थ्री टाइप के थे, ओके कर दीजिए। इससे बहुत फास्ट है, इससे आपके जल्दी वायरस निकल जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल आर दबाएं, फिर कीजिए क्लीन अप। फिर से ओके कर दीजिए। फिर सी ड्राइव लेगी, उसको भी आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद के सामने कुछ ऐसा एक बॉक्स आएगा, और इससे आपकी पूरी डिस्क सी ड्राइव जो है क्लीन अप हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं ये वीडियो पुश कर देता हूँ, जाने के बाद मैं फिर से चालू करूंगा। इससे आपकी पूरी मेरी जंप स्पेल जो है डिलीट हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी देर लगते हैं, फिर कोई बात नहीं है। ये सब हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक विंडो आएगी। इस पे सभी पे चेक मार्क लगाकर ओके कर दीजिए। फिर से डिलीट फाइल्स, तो आपके सारे के सारे जो जंक फाइल है वो डिलीट होकर आपका कंप्यूटर फास्ट काम करने लगेगा। उसके बाद फिर से विंडो बाहर दबाकर MSCO मैन फिफ्टी ओके कर दीजिए। सॉरी सभी दोस्तों, इस तरह से टाइप करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इतनी सारी मेरे पास भी 140 जंप्स फाइल है, ये किसी काम की नहीं रहती। अब इसको कंट्रोल करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 MB का था डाटा मेरे पास। ये देखिए मेरा कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा, पहले से भी ज्यादा फास्ट चलेगा मेरा कंप्यूटर। अभी देखिए मेरी विंडो कैसे फटाफट ओपन हो रही है। इसी तरह से आप भी अपने कंप्यूटर को क्लीन अप कर सकते हैं, और इसके लिए किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
प्लीज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके ईमेल पे वो नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।